रामपुर के कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के ज्वाला नगर में डेयरी मालिक से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी द्वारा 15,000 रुपये महीना रंगदारी मांगने के मामला गर्मा गया है। व्यापारी ने रंगदारी मांग रहे भाजपा नेता की ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ सीसीटीवी फुटेज के साथ कोतवाली सिविल लाइन्स में लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई। इस बीच भाजपा नेता द्वारा रंगदारी मांगने के मामले में एक ट्विस्ट आ गया और रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा पीड़ित पक्ष को लेकर कोतवाली सिविल लाइन्स पहुँच गए और पुलिस को तमाम कायदे कानून का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। पुलिस के टालमटोल करने पर महमूद प्राचा ने पीड़ित को अपना क्लाइंट बताते हुए पुलिस अधिकारियों से कहा कि यदि वह FIR दर्ज नहीं करते हैं तो फिर उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तब जाकर पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की। 15,000 रुपये महीना अच्छा, बस फिलहाल तो यही है। और इकट्ठे एकदम इकट्ठे इकट्ठे वाला कोई अपना काम ऐसे नहीं, क्योंकि हमें तो इकट्ठे 15,000 रुपये मतलब तुम्हारे पास जाना हनी भैया के पास जाना? फिलहाल तो हमारे पास जाना है। हनी भैया को नहीं दोगे तुम? उनसे क्या मतलब? मतलब हनी भैया कह रहा है कि मतलब अभी उनसे क्या मतलब है यार? अच्छा, पार्टी का मतलब अच्छा, तुम हो जैसे तुम्हें चाहिए पैसे? फिलहाल तो मुझे चाहिए। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ सही बात है, कुछ मन में विचार कोई बात अगर है तो ओपन करो। मतलब मुझे कुछ नहीं, जो तुम्हारी मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाह रही हूँ, अभी पता चला ना इतना चाहिए। मैं अपना सुना नहीं, मैं आपको सुनना आया हूँ। सही कह रहा हूँ, कल आना नहीं हुआ, कह रहा हूँ कल मैं चला गया था कहीं तो बाकी क्या मतलब। हाँ तो चलो, तुमने बता दिया ना, मैं बता दिया। अभी तुमने बता दिया इतने चाहिए तो मतलब उससे राय मशवरा भी करता ना तुम्हारे। अभी 15,000 रुपये तुमने बता दिए, मुझे 15,000 रुपये दिए, अब मैं बड़ों से अपने बैठ के बात करता हूँ। भाई से करो, छोटों से करो, जिससे दिल चाहे उससे करो, ठीक है? मगर मुझे अभी अब ज़्यादा टहलाने की वो मत करो। अब एक आध दिन का मुझे टाइम दो ना। ना, अब मैं कोई टाइम नहीं दूँगा। आप मुझे अभी हाँ या ना दो में से एक जवाब दोगे क्या? समझे, मुझसे मना कर दो यार। मैं तुम्हारे को घुट्टे नफीसी करने नहीं आया मेरे बड़े भाई। ना ना, क्योंकि अब तुमने बात कह दी ना, बता दी। ना ना ना, मैं स्पष्ट आदमी कह रहा हूँ, मुझसे ये लोलो पुच्छू वाली कहानी नहीं आती। न तत्काल मना करो मुझसे, मुझसे तो जब मैं बुराई ले रही हूँ तो उसमें दिक्कत क्या? तत्काल मना करो, क्या समझे? दरअसल रामपुर कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र ज्वाला नगर में दशकों से अनमोल दूध डेयरी एवं स्वीट हाउस चलाने वाले सुभान अली खान का आरोप है कि पिछले 5 दिनों से भाजपा नेता आशु गुप्ता ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बताते हुए 15,000 रुपये महीना रंगदारी की मांग की और रंगदारी नहीं देने पर भाजपा नेता ने व्यापारी को परिणाम भुगतने की भी धमकी दी थी। व्यापारी ने भाजपा नेता के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सहित इसकी शिकायत कोतवाली सिविल लाइन्स पुलिस को दी थी, लेकिन उसकी FIR तो दर्ज नहीं हुई बल्कि भाजपा नेता की तरफ से उसके विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी गई। डेयरी मालिक इसको लेकर बेहद परेशान था। इस बीच एक नया मोड़ आया जब रामपुर के लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा इस मामले में कूद पड़े। महमूद प्राचा ने देर रात पीड़ित व्यापारी को लेकर कोतवाली सिविल लाइन्स पहुंचे और उन्होंने पीड़ित की तहरीर को पुलिस को प्राप्त कराई। उनको धमकी मिल रही थी फिरौती देने की और रंगदारी वसूल करने की। एक भारतीय जनता पार्टी के कोई मंडल अध्यक्ष हैं, क्या हैं? क्या आशु गुप्ता जी, ये हमारे साथ हैं अभी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम समीर खान। समीर खान साहब हैं जो एक भारत के ईमानदार शरीफ नागरिक हैं। उनको सत्ता के लालच में, और मुझे लगता नहीं कि ये कोई अपने हाई कमांड से पूछ के ये सब काम कर रहे होंगे, जो ये क्या नाम है, आशीष गुप्ता जी, आशु गुप्ता साहब। लेकिन परेशानी की बात यह है कि यदि कोई ऐसा कार्यकर्ता जो इस प्रकार की रंगदारी का काम कर रहा हो, परेशानी आज से शुरू होगी। तो पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हुई हमें, मैं तो इनके वकील की हैसियत से आया था, लेकिन बाद में SHO साहब ने कानून और संविधान की इज्जत करते हुए इनकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है और हमें उम्मीद है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो मैंने वादा एक किया है, जो कोई रामपुर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, और इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल नहीं,
देश के किसी भी कोने में एज लॉयर मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर के हैसियत से हम यही काम जनता को सिखाने आए। मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया था शुरू में, वो तो बाद में लोग मुझे पहचान गए। मैं तो एक आम वकील की हैसियत से अपने क्लाइंट के साथ आया था, तो और एक आम वकील की हैसियत से ही सारी बातचीत की। फिर संविधान जीता, कानून जीता, लेकिन मैं बीजेपी के जो आलाकमान है उत्तर प्रदेश की और देश की, ऐसे देखिए राजनीतिक मतभेद सबसे होते हैं, लेकिन ऐसे रंगदारी वाले करने वाले अपने पदाधिकारियों को रखना जो है उचित नहीं है। ये भारत के संविधान के साथ भी खिलवाड़ है, देश के नागरिकों के साथ भी खिलवाड़ है, और ये पूरे न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। तो अगर उनको वरदहस्त प्राप्त नहीं है ऊपर से किसी अपने बड़े नेता का, तो अब त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है उनके अपराधों की, तो अब देखना यह है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, आशु गुप्ता जी ने, ये काम अपने आप ही किया यहाँ के दूसरे अधिकारियों की साजिश में मिल के साथ, जिनकी धमकी वो दे रहे थे कि मैं ये रेड करा दूंगा, वो रेड करा दूंगा, और जान की भी धमकी दे रहे थे इन्हें, या तो ये इन्होंने अकेले की, इन सभी अधिकारियों का नाम झूठा लिया, अपने भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों का जो इनडायरेक्टली इशारा कर रहे थे वो उन्होंने झूठा नाम लिया या सच्चा, अब ये आने वाले एक दो दिन में पता लग जाएगा। मुझे ये उम्मीद और आशा है कि आशु गुप्ता जी के खिलाफ तुरंत न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने इनकी जो रिपोर्ट की थी, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था आशु गुप्ता जी द्वारा, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं मंडल अध्यक्ष, तो उसको रिपोर्ट किया आपने, तो इससे मुझे कुछ हैरानी भी हुई, और अब सारी पिक्चर साफ निकल के आ जाएगी। क्या उनको अपने बड़े पदाधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त है? एक चीज़ से तो मुझे इशारा हुआ है कि शायद ऐसा है, मगर अब वो क्लैरिटी अभी आ जाएगी, क्योंकि एक इनकी कंप्लेंट ना लेकर पहले एक सामने वाले से कंप्लेंट ले लेना, ये इस थाने के अंदर हुआ है, जो कि एसएचओ साहब को भी इस पर रिसर्च और इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि एक व्यक्ति आया, उसने कंप्लेंट की, तो उसके जो अपराधी पक्ष था उसको उसकी जानकारी कैसे हो गई, और उसने तुरंत एक झूठी कंप्लेंट अपनी तरफ से करा दी इनके खिलाफ, ताकि मामले को बैलेंस किया जा सके। ये सबसे बड़ा जो एक गिरोह होता है ना, जो रंगदारी वसूलने वालों का गिरोह जो होते हैं, मैंने बहुत सारे गिरोह देखे हैं भारतवर्ष में ऐसे, वो उनका मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि उनकी पुलिस के अंदर भी कुछ अधिकारियों से जो भ्रष्ट होते हैं उनसे सेटिंग होती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई उनका विक्टिम अगर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी सब नहीं उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो एक झूठी कंप्लेंट काउंटर कंप्लेंट दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए दे देते हैं। तो ये भी अभी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि इनके ऊपर किसका वरदस्त है या नहीं। सर, जो आज आप थाने आए हैं और आपने जो रिसीविंग मिली है, तो क्या ये माना जाएगा मुकदमा दर्ज है? देखिए, भारत का कानून और संविधान तो यही कहता है कि ललिता कुमारी की एक जजमेंट है जो ये कहती है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे ही रिपोर्ट किया जाता है किसी थाने में, तो थाना अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर तुरंत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख के, यानी कि वो कंप्लेंट लिख के उस पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, और गुण दोष के आधार पे दोषियों को पकड़े, और जो विक्टिम है, जो ये हैं, इनकी हिफाजत के लिए सुरक्षा भी प्रदान करे। और अगर कोई ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जैसे इनकी कंप्लेंट में है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये रंगदारी वसूली जाती है, और ये कोई एक ही मार्केट का काम नहीं होगा, एक ही दुकानदार का काम नहीं होगा, फिर बहुत सारे दुकानदार, यहाँ तो रामपुर में तो सैकड़ों हजारों दुकानें और हैं, तो क्या ये रैकेट पूरे रामपुर में चल रहा है? इसका भी संज्ञान मेरे ख्याल से यहाँ की पुलिस को लेना चाहिए, इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कानून ये कहता है कि FIR दर्ज करके इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और तुरंत अपराधियों को पकड़ा जाए। बहुत पीली स्लिप दी है इसका, उसको क्या माना है, किसी में क्या है? ये एक पावती है, जो पावती इस बात की का सबूत है कि इनकी कंप्लेंट जो है पुलिस के संज्ञान में आ चुकी है। जो पहले कंप्लेंट इन्होंने करने की चेष्टा की थी उसकी पावती भी नहीं मिली थी, आप सब लोगों को शायद रिपोर्ट भी की है, वो गैर कानूनी काम था जो पुलिस के अफसरों ने किया, मुझे ये कहने में भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं एक बात आप फिर कर रहा हूँ, एज ए लॉयर कैंडिडेट को भूल जाइए, अगर
देश में किसी भी हिस्से में, रामपुर की बात ही नहीं कर रहा, ये काम होता है, तो हम लोग अपने नुमाइंदों को, अपने लॉयर्स को भेजते हैं। आज मैं यहाँ पे था तो मैं खुद आया। इसी तरीके से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही यही है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, कोई भी जो जनता के नौकर हैं, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब तक, तो अगर वो कानून का पालन नहीं करते तो हमारी टीम वहाँ जाती है और कानून का पालन संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कराने की चेष्टा करती है, और हमें सफलता मेरे ख्याल से हर जगह मिलती है, जैसे आज भी आप लोगों ने देखा।